एक को बचाने के लिए अनेक को मारते रहते हैं, पर अंत में क्या होता है, अनेक जो मरने वाले हैं वो तो बच जाते हैं, और जिसको बचा रहे थे वो मर जाता है। मरने वाले तो बच जाते हैं और बचने वाला मर जाता है। कौन है? जितने भी भोग हैं कि रोज हमको कुछ ना कुछ चाहिए ना, प्रातः काल कितना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए हमको, फिर दोपहर को भी चाहिए, सायंकाल भी चाहिए, तीन समय तो भोजन ही चाहिए। वो समाप्त तो कर रहे हैं ना उसको, फिर पानी भी चाहिए, उसके बाद श्वास भी चाहिए, वायु भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो लेते रहते हैं, इसको समाप्त तो करते ही रहते हैं, क्योंकि महीने में ही या 15 दिन में ही वहाँ खाली हो जाता है कनस्तर पाकशाला में, सब्जी का वो क्या होता है, वो टोकरा अगले दिन खाली हो जाता है, खाली तो कर ही रहे हैं वहाँ रोज, कुछ न कुछ कुछ न कुछ हम समाप्त कर रहे हैं। इसको नहीं कर रहे हैं, मेरा कमंडल तो रोज खत्म हो जाता है, सायंकाल तो बराबर रहता है, प्रातःकाल तक वो खाली हो जाता है। नहीं, वो कमंडल तो खाली हो गया ना, उतना पानी रोज चाहिए। आपकी देखो टंकी भरते हो, रोज मोटर चलाते हैं, वो टंकी खाली तो हो ही जाती है, तो पानी तो ले तो रहे हैं ना उसको, उतना पानी ख़त्म तो कर ही रहे हैं, पानी रोज तो चाहिए चाहिए, और इसकी तो गिनती नहीं कर पाते, ये भी तो चाहिए, श्वास वायु भी तो चाहिए ना, आजकल वो कम होने लग गया है। इसको ये भी चाहिए, ऐसी धूप चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, इसकी भी ज़रूरत रहती है, दिन रात इसको खपत कर ही रहे हैं, बाकी सभी बिजली है, अन्य चीज़ें हैं, ये सब भी हमको चाहिए और ये सब भी ख़त्म ही हो रही है, कर तो रहे हैं ख़त्म, लेकिन ये सब क्या हो, किसके लिए हम कर रहे हैं, कि कौन बचा रहे, नहीं मैं, नहीं मैं अहंकार को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अनुभूति में कौन जाएगा, नहीं खाएंगे तो कौन मरेगा, किसको बोले थे, नहीं बोलते, मानते किसको है, मैं मर जाऊँ, तो इसका मतलब किसको बचा रहे हैं, मैं को बचाने के लिए खा रहे हैं ना, मैं को ही बचाने, या पिएंगे नहीं पानी, पिएंगे तो कौन मरेगा, नहीं शरीर की तो नहीं रखते ना, मानते किसको है, कौन मरेगा, मैं मरूंगा या शरीर मरेगा, तो जब मैं मर जाऊंगा तो बचा तो उसी को रहे ना, इसका मतलब पहले कैसे होगा, यहाँ तो अपनी अनुभूति की बात है ना, मान क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं किस पर, यानी हम ये क्यों बोलते हैं कि अगर नहीं खाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, कौन मर जाएगा, शरीर मर जाएगा, थोड़े से कहते, तो इसका मतलब है शरीर को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं सब, अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं, और अंत में फिर क्या होता है, वही मैं, वो नहीं बचता है, हम ही चले जाते हैं,
ये लगता है ना, फिर हम चले गए और भोजन इतने कितने बचे रह जाते हैं, यहाँ तो कितने खाने वाले कब से खा रहे हैं इसको, और ये वहीं का वहीं है। साल भर में कितना अनाज खा जाते हैं, और अनाज की बोरियाँ वहीं की वहीं रहती है, फिर अगली से उतना ही गेहूँ, उतने ही चावल, उतनी सब्जी रोज फिर आ जाती है। तो ये तो अंत में ख़त्म तो हम ही होते हैं, ये तो होते नहीं है, तो बचे ही रह जाते हैं, समाप्त हम ही हो जाते हैं। तो अब ये बात है कि ऐसा क्यों होते रहता है, कब तक होगा ये, क्या ऐसे ही होता रहेगा या इसको बंद भी किया जा सकता है, कब बंद हो सकता है ये, हम कहाँ जा कर के बच सकते हैं। मारते मारते बचेंगे या मर के बचेंगे, जीते जीते बचेंगे या मर मर के बचेंगे, क्योंकि भोजन को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वो भोजन फिर वहीं के वहीं रह जाता है। वो तो नहीं रहता, वो मरने वाला तो जीवित नहीं होता, वो मरने वाला नहीं, वो तो उसकी व्यक्तियाँ रहती है, उसकी जात, जो भोजन होता है वो तो उतना ही रहता है, ख़त्म तो होता ही नहीं है, न पानी ख़त्म होता है, न भोजन ख़त्म होता है, कोई नहीं ख़त्म होता है। इनके बारे में तो कभी होता ही नहीं कि सारे भोजन समाप्त हो गए, लेकिन मरने वाले के लिए हो जाता है यहाँ, अब नहीं रहा वो, बस गया। अपने बारे में हम यही तो समझते हैं कि हम अब फिर दोबारा नहीं होंगे, या दूसरे के लिए भी यही मानते हैं, खिलाने के लिए तो हमको लगता रहता है पता नहीं कितना खिलाना पड़ेगा, कब तक खाता रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो खाते समय तो हमको लग रहा है ख़त्म हो रहा है इसके लिए, लेकिन जब वो मर जाता है तब भी भोजन बचा रहता है, तो उसके बारे में तो होता है वो चला गया, पर जो ख़त्म हो रहा था रोज दिख रहा था ख़त्म होता हुआ, वो अंत में दिखता है तो है ही अभी, तो जो समाप्त हो रहा था वो तो बच गया है, और जो उसको बचाना चाह रहे थे वो समाप्त हो गया। स्थिति तो यही रहती है, यानी बौद्धिक स्थिति जो काम करती है हमारी, जिसके ऊपर हमारा जीवन ये चल रहा है, वो तो स्थिति यही है, बचने वाला मर रहा है और मरने वाला बच रहा है। तो अब ये है कि इस स्थिति में को का विराम कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, वस्तुतः हम कब बच सकते हैं और कब ये मर सकता है, इसको मरे या न मरे तो अलग बात है, पर हम कब बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या करना होगा इसके लिए, ये प्रश्न होता है, या फिर यही चलता रहेगा, बचने वाले मरते रहेंगे, मरने वाले बचते रहेंगे। तो इसमें फिर यही होगा कि जब हम बचाना छोड़ देंगे या कहीं जाना छोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे या बच जाएंगे। जब तक हम चलते रहें, कहीं जा रहे हैं, तब तक तो हम नहीं पहुंचेंगे। हमारा चलना जब तक होगा तब तक पहुंचना नहीं हो सकता है, इसलिए पहुंचने के लिए और कोई उपाय नहीं, चलना ही बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही बचाने के लिए बचाना ही बंद करना पड़ेगा बस, तब जाकर के बच सकते हैं। कहने का अभिप्राय होगा कि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते, अपनी जो शाश्वत स्थिति है
कैवल्य मात्र जो है अपना स्वरूप, जब तक हम उसकी अनुभूति नहीं कर लेंगे तब तक इस प्रवाह से हम बाहर नहीं निकल सकते। इसके लिए चाहे हम दिन रात जितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन इस विधि से हम सुखी नहीं हो सकते हैं, शांत नहीं हो सकते हैं, हम इससे बच नहीं सकते। क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, वस्तुतः उससे कुछ हो नहीं रहा है, और जो कुछ अपना करना चाह रहे हैं वो कुछ होने का नहीं है। अपने आप को हम जो भी करना चाह रहे हैं, सुरक्षित करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, अपना कुछ निर्माण करना चाह रहे हैं, ये सारी की सारी फालतू की चीज़ है। अपना कोई निर्माण होगा ही नहीं, हम कुछ बन ही नहीं सकते, यानी जो बनाना चाह रहे हैं उसमें से कुछ नहीं बन सकते, जो होना चाह रहे हैं वो कुछ नहीं हो सकते हैं। तो इस कारण से अपने को बनाना या अपना होना यह मान करके जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो एक प्रकार से निरर्थक है। तो निरर्थक होने से अगर उसको रोक देंगे बस अपने आप हो जाएगा। फिर जिस दिन वो रुक जाएगा उसी दिन अपना सब हो जाएगा। जिस दिन बनना छोड़ देंगे उसी दिन बन जाएंगे, जिस दिन बनाना छोड़ देंगे उसी दिन बने हुए हो जाएंगे, बने हुए। जिस दिन बचाना छोड़ देंगे उसी दिन बच जाएंगे। अर्थात अपना जब शाश्वत स्वरूप बुद्धि में आ जाएगा, अपना अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम एक नित्य पदार्थ हैं, इन भोगों से या भोग के जो साधन हैं हमारा ये शरीर है, जो आश्रय जो है, इनसे हमको कुछ मिलता नहीं है, इनसे हमारा कुछ बनता नहीं, इससे हम कुछ बन नहीं सकते, ऐसा जो ज्ञान हो जाएगा वही होया हुआ ज्ञान जो है वही हमारा निर्माण है, वही हमारी अंतिम पहुंच है, उसी के लिए हम चल रहे हैं, उसी के ना होने से हम चल रहे हैं, बस कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ होना जो चाह रहे हैं, वो सब इसीलिए है कि अपने उस नित्य स्वरूप का परिज्ञान हमको नहीं हो रहा है कि हमें कुछ होता नहीं, हम कुछ होने योग्य नहीं है, अपने स्वरूप से हम थे, अपने स्वरूप से ही हैं और अपने स्वरूप में ही रहेंगे। ऐसी अनुभूति के अभाव में हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं, जितने भी साधनों का संग्रह, उसके लिए जब लड़ाई झगड़ा राग द्वेष जो कुछ भी है सब कुछ केवल उसी अपने मिथ्या स्वरूप की रक्षा निर्माण के लिए है, वास्तविक स्वरूप के लिए कुछ चाहिए नहीं। अभी हमको लगता है कि इससे हमारा कुछ हो जाएगा, खा करके पी करके देख करके सुन करके ऐसा लगता है कि कुछ हमारे में आता है। अगर ये ना लगे कि हमारे में कुछ आता है तो फिर इनको नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
देखना सुनना हम करेंगे ही नहीं, भोजन भी नहीं करेंगे अगर हमको ना लगेगी हमारे में कुछ आता है। खाने पीने के बाद जो सुख होता है वो सुख हमको खाने पीने के लिए प्रेरित करता है, वही हमको बचाता है, लगता है कि हाँ इसके कारण हम बच रहे हैं। अगर नहीं खाएंगे पिएंगे तो हम नहीं बचेंगे, इसका मतलब इनमें से कुछ हमारे तक आता है तभी तो हम बच रहे हैं, आना बंद हो जाएगा तो फिर हम कहाँ बचेंगे। इस प्रक्रिया को हम वस्तुतः नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे तक ये आता नहीं है कुछ, ये आने की चीज़ नहीं है। तो आने की चीज़ नहीं है ये तब होगा, तब यही तब भी होगा जब ये होगा कि हमारे में ही कुछ कमी नहीं है, इनसे हमारी कोई भी पूर्ति नहीं होती है, इससे अपने में कुछ आना नहीं होता है। वस्तुतः ये भी अपने लिए है, हमारे लिए नहीं है ये स्वरूपता। जुड़ जाने के बाद अब ये हमारे जानने के लिए तो हो जाते हैं बस, ठीक है, लेकिन अपना स्वरूप खो करके हमारे स्वरूप को बनाने के लिए यानी उसकी हमारे स्वरूप की कमी को भरने के लिए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए होने का मतलब केवल उस वाक्य का इतना ही है कि हमारे को जानने के लिए तो है ही है, लेकिन वो ज्ञान होगा तो क्या होगा फिर, इनको जानना हमारा प्रयोजन है, संसार को, प्रकृति को, भोग को, ठीक है ये हमारे दृश्य हैं, हमारे जानने के लिए हैं, लेकिन वो ज्ञान क्या, यही तो होगा कि ना हमें ये नहीं आते, हमारे ये स्वरूप नहीं है, हमसे ये पृथक हैं, इनका अपना स्वरूप है, इनका अपना अस्तित्व है, ये अपने में रहते हैं, तो यानी हमसे ये पृथक हैं। अंतिम जो ज्ञान होगा इनके विषय में परमार्थ ज्ञान होगा, वो यही हुआ कि ये हमसे पृथक हैं। तो हमसे जब पृथक हैं तो सीधी सी बात है इनसे हमारा लेना देना नहीं है, जब पृथक नहीं है फिर लगने लगता है ये अपने हैं, अपने हैं तो वो तो रहे नहीं हैं, तो फिर हम बल लगाने लगते हैं कि हो क्यों नहीं रहे अपने, माने हुए जैसे करने लग जाते हैं। तो अगर वो मानना छूट जाए, मंतव्य छूट जाए, तो निश्चय से कर्तव्य भी छूट जाएगा, करना भी बंद हो जाएगा, मानते रहते हैं इस कारण से करते भी रहते हैं, और जब तक मानते रहेंगे तब तक करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं करना, लेकिन मानने में यदि आ जाएगा तो करने में भी छूट जाएगा। तो परंतु ये मानना वैसे नहीं होना चाहिए, केवल मान लिया कल्पना से नहीं होना चाहिए, ये मानना बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, प्रमाणपूर्वक, नियमपूर्वक होने चाहिए। एक कल्पना से भी हम मान लेते हैं और दूसरा हम यथार्थ में भी मानते हैं। किसी भी चीज़ की हम पहले कल्पना करते रहते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा, बाद में फिर कहते हैं अच्छा ये तो ऐसा है, तो दोनों जगह मानना तो हो ही रहा है, बस अंतर इतना होता है कि काल्पनिक अपनी तरफ से केवल नहीं हो, उसका जो स्वरूप जैसा है वैसा निश्चय होना और उसको स्वीकार करना, ऐसा जो मानना है ये वास्तविक मानना। तो यहाँ पर भी जो मानना होगा वो ऐसे ही वास्तविकता है, हमसे पृथक तो है ये, हमारे स्वरूप नहीं है, इनका अपना अस्तित्व है। हमारी दूसरी बात है कि हमारी तृप्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है,
हमारी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इनसे हम पूरी तरह से अपने स्वरूप में सुरक्षित भी नहीं रह सकते हैं। हम दुखी होते रहते हैं, चंचल होते रहते हैं, व्यग्र होते रहते हैं। जो हमको एक सुखी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए हमको, तो ये स्थितियाँ हमारी इनसे सुरक्षित कहाँ रहती है? तो मिटती रहती है, इनमें अंतर आता रहता है। तो इस कारण से ये हमारी पूरी तरह से सुरक्षा के लायक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम इनके पीछे चलते रहेंगे, अर्थात इनसे अपने को भरते हुए रहेंगे, अपना भरना मानते रहेंगे, तब तक यही स्थिति चलती रहेगी। इनको लेते रहेंगे, लेकिन लेते लेते फिर हम समाप्त होते रहेंगे। इस कारण से हमें इस अवस्था में जाना ही होगा, अपने शरीर में ही रहते रहते। हमको लगना चाहिए कि अब मैं शरीर में नहीं हूँ, अपने में हूँ, अपने स्वरूप में हूँ। जो हमको ज्ञान हो रहा है, जो हमारा प्रयत्न हो रहा है, जो हमारी इच्छा हो रही है, ये सब अभी लगते हैं कि ये इस शरीर में हो रहे हैं। सबके सब शरीर में हो रहे हैं, ऐसी अपनी अभी की अनुभूति होती है। तो इस अनुभूति को हटा करके इसमें आना पड़ेगा कि नहीं, ज्ञान केवल मुझ में हो रहे हैं, इच्छा केवल मुझ में हो रही है, प्रयत्न केवल मुझ में होता है। हमारे ज्ञान इच्छा प्रयत्न के अनंतर अब हमसे जो संबद्ध मन इंद्रिया या शरीर है, उनमें पुनः प्रतिक्रिया होती है, हमारे पश्चात होती है, केवल इनमें नहीं होती है। हमसे निरपेक्ष शरीर में कोई क्रिया नहीं होती है, शरीर की क्रियाएं सारी की सारी सापेक्ष है, हमारी अपेक्षा से है। ऐसे इनके साथ अपना संबंध काटना होगा, और इनसे कटने के उपरांत फिर जो स्थिति अभी हमने इस प्रकृति के साथ बना रखी है, मान रखी है, ठीक ऐसे के ऐसे फिर ईश्वर के साथ बनानी होगी। अभी ईश्वर के प्रति हमारी जैसी स्थिति है, वैसी प्रकृति के प्रति हो जाएगी। इनसे कोई लेना देना हमारा नहीं है, हम इनमें नहीं हैं। जैसे अभी ईश्वर से के विषय में हमारी ये है कि ईश्वर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम ईश्वर में नहीं हैं, ईश्वर हम में नहीं है, ऐसी बुद्धि कर मान लेकर के हम चल रहे हैं, सारा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कैसा प्रकृति के साथ हो जाना चाहिए। और अभी जैसे लगता है प्रकृति में रह रहे हैं, प्रकृति के बिना नहीं रह सकते हैं, प्रकृति मुझ में हो रही रह रही है, यानी पूरे के पूरे हम प्रकृति के आश्रित हैं, लोक के आश्रित हैं, इनके आश्रय के बिना हम हो नहीं सकते, रह नहीं सकते। ऐसी जो बुद्धि है, यही बुद्धि, यही की बुद्धि केवल ईश्वर में हो जाए। जब ये लगने लगेगा कि मैं ईश्वर में ही हूँ, ईश्वर के बिना नहीं हो सकता हूँ, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, इनके बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता है, तस्मिन वो क्या मंत्र है, मातृश्वा ददाति, अनेज अधिकम मनसु जवियो नैनन देवा अपनवन पुरुमर्श तद्दा अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। यानी उसी में ये जो मातरिश्वा है, अंतरिक्ष में बढ़ने वाला, अपह ददाति, कर्मों को धारण करता है, यानी सारे कार्य जो ये जीवात्मा है उस परमात्मा के अंतर्गत ही करता है।
उसके बाहर कुछ नहीं करता है ये, तो ये स्थिति वास्तविक है। तो ये वाली अवस्था जब तक आ नहीं जाती है तब तक अपनी दौड़ चलती रहेगी, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम कहीं एक जगह टिक नहीं सकते हैं। हम चलते रहेंगे यानी कुछ न कुछ करते रहेंगे, कहीं न कहीं पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे, किसी न किसी अवस्था में जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अभी हम ही कर रहे होते हैं लेकिन लगता है कि ये हमसे दूर में हो रहा होता है, अनुभव हम ही कर रहे हैं लेकिन लगता है कि हमसे कुछ दूर में अनुभूति हो रही है। तो ये सारे क्या है, बुद्धि का केवल भेद है, हमसे दूर कभी अनुभूति हो ही नहीं सकती है, हमारी आत्मा हमसे दूर लगती है, हम कहीं हैं हमारी आत्मा कहीं पर है, तो ये नितांत भ्रांति है, ऐसी बुद्धि भ्रांति होनी नहीं चाहिए। तो ये सारी भ्रांतियाँ तब तक नहीं हटेगी जब तक ये यथार्थ नहीं हो जाएगा कि वस्तुतः मैं ही जान रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मुझ में ही ज्ञान हो रहा है, मुझ में ही कर्म हो रहा है, मुझसे दूर नहीं हो रहा और मुझ में प्रकृति का कोई अंश नहीं आता, इनकी न्यूनता हमारे अंदर कोई क्षतिपूर्ति का कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर इनमें कुछ भरने की स्थिति नहीं है। तो ऐसा परिजान जब तक नहीं हो जाता है तब तक हमारे अंदर परिपूर्णता, स्थिरता जिसको कहेंगे, वो नहीं आएगी। लेकिन जब ये समझ आ जाएगी, ऐसी बुद्धि आ जाएगी, तो उसी दिन लगने लग जाएगा यहाँ बस हम पहुँच गए, या फिर लगने लगेगा हम सुरक्षित हो गए, अब कुछ नहीं, लगने लगेगा कि इनकी कोई अपेक्षा नहीं है, हम बिना इसके ही होते हैं, निरपेक्षी हैं इससे। तो ये अंतिम स्थिति अपने को लाने का प्रयास करते रहना है।